सभी युवाओं को आग्रह करता हूँ कि आप किस क्षेत्र में हैं, आप उस क्षेत्र में इतना नाम कमाएं कि लोग पूछे कि ये किस समुदाय का है। आप समुदाय दिखा के लोगों को बताएंगे कि हम ये हैं तो लोग नहीं समझते। आप सभी क्रांतिकारी युवा भाई बहनों का ये मंच हार्दिक अभिनंदन करता है, हार्दिक स्वागत करता है। आप सभी भाई बहनों से आग्रह की जाती है हम आदिवासी दिवस इसलिए मनाते हैं कि हम लोग अपना हक और अधिकार के लिए, हम लोग सरकार तक, हम लोग अपना संस्कृति बचाने के लिए ये रैली हम लोग दिखाना चाहते हैं कि हम लोग आदिवासी एकता है। जय झारखंड, जय आदिवासी। आज कैसे आप सेलिब्रेशन कर रहे हैं आज आदिवासी दिवस के उपलक्ष्य पे? आज देखिए, आज हम लोग युवाओं का प्रयास, आज आप देख सकते हैं आज युवाओं का प्रयास रांची का सफल हुआ है। और अभी ये हमारे कुछ ही टीम है और अभी भी हमारे बनोरा से, हमारे नामकुम से और हमारे ओरमांझी से भी हमारे भाइयों का आना बाकी है। और ये इस बाइक रैली के माध्यम से हम दिखाना चाहते हैं कि हमारी एकता अखंडता को दिखाना चाहते हैं और हमारे ताकत को दिखाना चाहते हैं। युवाओं को क्या संदेश देना चाहते हैं? युवाओं का संदेश यही देना चाहते हैं कि देखिए, हम लोग को जिस तरह का हम लोग हक अधिकार मिला है, अगर मिला है मानते हैं उस चीज़ को, लेकिन हम इस रैली के माध्यम से बताना चाहते हैं कि अपना हक अधिकार को छीन के लेना होगा, इसीलिए आज इस बाइक रैली किया जा रहा है। आज आदिवासी सेलिब्रेशन डे है, वर्ल्ड ट्राइबल डे, तो आप कैसे देखते हो इसको आज के दिन के लिए? देखिए, सबसे पहले विश्व आदिवासी दिवस के लिए तमाम सभी लोगों को हार्दिक शुभकामनाएँ और बधाई। ये विश्व आदिवासी दिवस लगभग 1994 से लेके लगातार हर वर्ष मनाया जा रहा है और अपने हक अधिकार, जल जंगल जमीन को संरक्षण और उनका प्रचार प्रसार के लिए हर वर्ष ये पूरे विश्व में धूमधाम से मनाया जाता है। हम लोग भी इस बार विश्व आदिवासी दिवस बाइक रैली के रूप में मना रहे, एक आक्रोश के रूप में अपना आदिवासी समाज सड़क पे उपस्थिति दिखा रहे हैं और अपना जल जंगल जमीन भाषा संस्कृति परंपरा और जो अपना संवैधानिक अधिकार है उसका संरक्षण को लेकर के हम संघर्ष करेंगे सड़क पे। युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? युवाओं को संदेश है कि इस कार्यक्रम में भारी से भारी संख्या में आए और जहाँ भी आप लोग मना रहे हैं अच्छी से मनाएं, शांतिप्रिय माहौल से मनाएं और आदिवासी एकता को स्थापित करें। जो आदिवासी का हक और अधिकार है उनको लड़ के लेना है, छीन के लेना है। आज वर्ल्ड ट्राइबल डे है, आप कैसे सेलिब्रेशन कर रहे हैं? सर्वप्रथम विश्व आदिवासी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएँ और हम समस्त आदिवासी संगठन के माध्यम से एक विशाल रैली रांची में आयोजित किया गया है जिसका शुरुआत जो है बापू वाटिका से यहाँ शुरुआत हो रही है और ये बिरसा चौक से अल्बर्ट टेका चौक तक जाएगी। तो ये उत्साह आप देख सकते हैं कि सैकड़ों हजारों की संख्या में यूथ लोग आए हुए हैं और इसका शुरुआत यहाँ पर होगी और एक संदेश जो हम लोग आदिवासी एकता, जल जंगल जमीन की रक्षा के लिए जो हम लोग देना चाह रहे हैं यहाँ पर सबको हम लोग जमा हैं। जैसे आजकल बहुत ज़्यादा शोषण होता है तो आदिवासी लोग कैसे उस पर काम करें? देखिए, कई जगह हमें सूचना मिलती है और कई ऐसे जो है मीडिया के माध्यम से बातें आती है, लेकिन मैं यही कहना चाहता हूँ कि संविधान में प्रदत्त जो आदिवासी के लिए जो अधिकार है उसका इस्तेमाल करें, उसका प्रयोग करें, उसके प्रति लोगों को जागरूक करें, तभी हम जो है उस तरह का शोषण से बचाव कर सकते हैं। आप कैसे देखते हैं? देखिए, सबसे पहले विश्व आदिवासी दिवस की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएँ। देखिए, यूनो ने 1994 को इसकी स्थापना की और 9 अगस्त को इस दिन को आदिवासी महोत्सव, विश्व आदिवासी दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया। कहने की विश्व में आदिवासियों का हक और अधिकार के लिए लगातार जागरूक करना, जल जंगल जमीन के लिए जागरूक करना, अपना संस्कृति धर्म को रक्षा करने के लिए जागरूक करना, सबको लेके ये दिन को मनाने का निर्णय लिया गया है और कहीं ना कहीं आने वाले समय में इस दिन को भव्य आयोजन करने का हम लोग प्रारूप तैयार करेंगे। झारखंड की राजधानी रांची में आज देखिए, हम लोग युवा लोग, जितने भी झारखंड के युवा संगठन है, सारे मिल के एक विशाल बाइक रैली का आयोजन करने का प्रयास कर रहे हैं और ये लास्ट साल में, पिछले वर्ष भी हुई थी और कहीं ना कहीं एक मैसेज देंगे। जो आक्रोश है तो कहीं ना कहीं उत्साह में हम लोग भाग लेते हैं, नाचगान करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अपना हक अधिकार के लिए लोगों को जागरूक करने का समय है और युवाओं को जोड़ के एक मैसेज देना चाहते हैं पूरे देश में और राज्य में कि आने वाला समय आपका है, अपना हक अधिकार के लिए आ गया। धन्यवाद। आज वर्ल्ड ट्राइबल डे, आप कैसे सेलिब्रेशन कर रहे हैं? आज 9 अगस्त है, इंडिजीनियस डे, आदिवासियों का दिन, और हम लोग का ये आज संवैधानिक अधिकारों की मांग के लिए और अपनी परंपरा और कल्चर को बचाने के लिए ये एक हम लोग बाइक रैली निकाला गया है और हम लोग चाहते हैं कि हम लोग के द्वारा
जितना भी हो सके लोगों तक जागरूकता पहुंचे कि किस तरह हम लोग के जो कानून है उसको लागू किया जाए। युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? युवाओं को ये संदेश देना चाहेंगे कि हम लोग के आदिवासी जो संवैधानिक अधिकार है उसको लागू करने के लिए बढ़ चढ़ के हिस्सा ले, सरकार से इसके मांग करे, इसके प्रति जागरूक हो कि हम लोग को क्या क्या अधिकार है, क्या चीज़ हम लोग को चाहिए और क्या चीज़ हम लोग से छिन रहा है वो हम लोग को मिले। तो किस तरह से सेलिब्रेशन कर रहे हो? सबसे पहले तो आप सबको जोहार और विश्व आदिवासी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसे कि हम सभी देख सकते हैं कि मेरा नाम ईचू मैंने तिरकी और मैं झारखंड की बेटी हूँ। आज यहाँ पे बाइक रैली निकाला हो, ये पूरा एक यंगस्टर्स का संगठन है। यहाँ पे जितनी भी महिलाएं हैं और जितने भी पुरुष हैं हम सब यहाँ पे एक आदिवासी समाज को एकता को दिखा रहे हैं, क्योंकि आप जैसे कि जानते हैं कि हम सभी को एकता के साथ आगे बढ़ना और चलना ये हमारे लक्ष्य है। तो हमारे कुछ अधिकार है, हमारे कुछ मांगे हैं, तो उन चीज़ों को यहाँ पे एकता के रूप से आगे बढ़ाना और चलना ये हमारा लक्ष्य है। तो आज मैं अपने सारे युवाओं को रिप्रेजेंट कर रही हूँ यहाँ पे। युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं जितने भी यहाँ के युवाओं में सबको बोलना चाहूँगी कि अभी का ये जो समय और अभी का जो ये वक्त है, अब हम सब किसी भी चीज़ों से पीछे नहीं है। जैसे लोग बोलते हैं कि आदिवासी समाज हमेशा एक पिछड़ा समाज है, बट मुझे लगता है अब ये बिल्कुल भी नहीं है। हम सब सारे फील्ड में आगे बढ़ रहे हैं, काफ़ी अंतर्राष्ट्रीय यंगस्टर्स है जो इस लाइन में आगे बढ़ रहे हैं, युवाएं हैं, काफ़ी युवा है जो हमारे राजनीति के क्षेत्र में भी आगे बढ़ रहे हैं। और हमारे सामने खुद लिविंग एग्जांपल है शीतल जी, अनिल पन्ना जी, ये दोनों ही यूथ एक्टिविस्ट है, तो इनके साथ में मिलकर के आगे काम करना है युवाओं के लिए। आप युवाओं के लिए क्या ऐसा कुछ काम करना चाहेंगे जिससे उनको इनकरेज मिले? जी बिल्कुल, मुझे लगता है कि आज अगर मैं यहाँ पे खड़ी हूँ तो झारखंड के माटी से जुड़ी हुई हूँ, तो मेरे युवाओं को लेके मैं ये बोलना चाहूँगी कि उनका जो कुछ भी आगे चल कर वो मुझे चाहते हैं कि मैं अपने सरकार तक या अपने लोगों तक उन बातों को पहुँचा पाऊँ, तो मैं उन चीज़ों को लेकर के आगे काम करना चाहूँगी। यहाँ के कलाकार को लेकर काम करना चाहूँगी कि यहाँ के कलाकार को एक मंच दिया जाए कि वो अपने कलाकारी को सबके सामने दिखा पाए और इन चीज़ों से उन्हें इन्वेस्टमेंट्स भी मिले और फंडिंग्स भी मिले। कोशिश भी कर रहे हैं काफ़ी इन चीज़ों को लेकर के आगे चल रहे हैं। आज आदिवासी दिवस आप कैसे सेलिब्रेशन कर रहे हो? आज बहुत खुशी है, हम पूरे विश्व के आदिवासियों को, झारखंड आदिवासियों को विश्व दिवस हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूँ, बधाई देता हूँ। और आज का दिन युवा पूरे जोश के साथ में अपने हक अधिकार को लेने के लिए एक जागरूकता का रूप में ये बाइक रैली में शामिल हो रहे हैं, और हम आदिवासियों को एकता के साथ साथ अपने हक अधिकार के लिए युवाओं को जगाना चाहते हैं, एकजुट करना चाहते हैं, ताकि वो आप भी जो हमारे पुरुषों का संघर्ष रहा है हमारे हक अधिकार के लिए, अपने संवैधानिक अधिकार के लिए युवा जागे, इस संदेश को लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं। ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाई। आज वर्ल्ड ट्राइबल डे है, कैसे आप इसको? देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा 1994 में इसको आज अधिकार दिवस के रूप में मान्यता प्राप्त हुई। पूरे विश्व के आदिवासियों के जो हालात है उसको लेकर आज अधिकारों के लिए लोग सड़कों पर निकलते हैं अपने अधिकारों की बात करने के लिए। और जिस तरीके से भारतवर्ष में आज देख रहे हैं, आपने देखा कि कोविड का प्रकोप किस तरीके से पूरे मानव ने सामना किया, उस समय मेडिकल साइंस में फेलियर हो गई, तो कहीं ना कहीं जल जंगल जमीन को बचाने वाले लोग, प्रकृति के संरक्षित करने वाले लोग आज अपने अधिकारों की लड़ाई को लड़ रहे हैं। सोच आगे बढ़ाने वाले रंजित कच्छप जी का, हम रंजित चोपाध्याय का हम स्वागत करते हैं, हम धन्यवाद कहते हैं। दादा, पूरे मंच की ओर से आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपको बहुत बहुत शुक्रिया। मैं साथ ही साथ इस कार्यक्रम की शुरुआत की घोषणा कर अधिकारों की रक्षा करना और जो आदिवासियों के साथ जो अत्याचार हो रही है उसके खिलाफ उलगुलान की तैयारी करना। तो आर यू रेडी फॉर उलगुलान? और कार्यक्रम की शुभारंभ होने वाली है स्टैचू, महात्मा गांधी की स्टैचू पर माल्यार्पण करके, और सभी युवा भाइयों से आग्रह है, विनर आग्रह है कि जब हम
प्रदेश सरनाम कोड लागू हो, तभी हम लोग इस तरह का रैली एक आह्वान है आने वाला दिन पूरा देश बंद करेंगे। यही सब आप लोग थोड़ा देर पहले जो नारा सुन रहे थे, उसके द्वारा हमारे वीर महापुरुषों ने हमारा जल जंगल जमीन का अधिकार के लिए, हमारा हक और अधिकार के लिए इस दिन को लिख दिया। आदिवासी बाबा साहब वाला।